Hi guys, welcome to All Mobile Solution. My name Dilshad Hussain. Samsung Galaxy Note 10 आप देख रहे होंगे, आज इसको ट्रेड डाउन मैं करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँगा कैसा ये ओपन होता, कैसा क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे तो ऊपर पेंसिल वनीला पेन रेड कलर का है। बॉक्स पे आप देखोगे तो 256 GB वाला है, 256 सैमसंग नोट और 8 GB रैम। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ पहला। इसके अंदर क्या क्या मिला मैं सब आपको बताऊंगा। मोबाइल आप देखेंगे तो रेड कलर का है। डिस्प्ले का इंच आप देखेंगे तो 6.3 है और इसका डिस्प्ले पूरा फुल है। कैमरा साइड में आप देखोगे तो बीचों सेंटर में दिया हुआ है और इसकी बॉडी आप देखोगे तो साइड के तरफ से पूरा मेटल का दिया हुआ है। यह ऑलरेडी यहाँ स्विच ऑफ बटन रहता था और वॉल्यूम बटन रहता। अब सैमसंग ने क्या किया, नोट सीरीज़ में यहाँ दिया हुआ है कॉर्नर के तरफ। और नीचे आप देखोगे एक पेंसिल का दिया है, साउंड दिया है, टैप सी पिन दिया चार्जिंग करने का और माइक दिया। ऊपर आप देखोगे तो इसके अंदर माइक दिया है, सिम दिया है, डबल सिम कार्ड लगता है इसके अंदर। और चलो आपको मैं खोल के इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला खोलने से पहला मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। आप देखोगे तो एक चार्जर मिला हुआ है, डोंगल टैप सी पिन में दिया हुआ है। इसका वोल्टेज आप देखोगे तो 45 दिया है। और इसके अंदर क्या क्या मिला वो भी बता देता हूँ मैं आपको। और USB केबल दिया है, टैप सी में है, दोनों तरफ सेम है। और आप ये मोबाइल यूज़ करते हैं पेन ड्राइव या कुछ भी तो उसके लिए भी दिया हुआ है। और इसके अंदर आप देखोगे तो एक एडेप्टर दिया है, टूल्स जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसके लिए चेंज करने के लिए दिया है। तो आपका जो भी रहेगा कंफर्टेबल आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर एक एयरफोन दिया, टैपसी में दिया, 1 kg का ओरिजिनल है, साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट है। तो इसके अंदर ये मिला। और देख लेते इसके अंदर, बॉक्स के अंदर सैमसंग का दिया हुआ है लिखा हुआ। और इसके अंदर क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखेगा तो, कैटलॉग और एक कवर दिया ट्रांसफर। ये सब चीज़ मैं हटा लेता हूँ और मोबाइल पे जाते हैं। मोबाइल आपको ओपन करने से पहला ध्यान ये देना रहेगा पूरा चौक जितना भी बॉर्डर है कॉर्नर की तरफ से पूरा आपको ब्लोअर से हीटिंग करना रहेगा। और कैमरे के आजू बाजू लेंस के इधर आपको ध्यान देना रहेगा, नहीं तो कैमरा आपका ब्लर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हीटिंग होने के लिए। आपको टेम्परेचर एकदम हिसाब से रख के चलना रहेगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको हीट सब जगह सेम रखना है, इक्वल रखना है और ध्यान देना रहेगा। और आपके पास फ्लेक्सिबल ऐसे कार्ड होएगे तो जो आपको हेल्प करेगा। तो आपको कोई भी कॉर्नर की तरफ ध्यान देना रहेगा, कहाँ से भी आपको खोलना रहेगा। ज़्यादा करके फर्स्ट टाइम आप खोलोगे तो कैमरे के इधर से नहीं खोलना, आपको यहाँ से खोलना है या यहाँ से खोलना है। यहाँ से कैसा पतला दिया और कटिंग हुआ है कैमरे का, तो आप यहाँ से करोगे तो टूटने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। कॉर्नर के तरफ से आपको एकदम हीट होने के बाद एकदम हल्का से काट डालना है। कैसा नहीं जाता है तो आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, साइड से जैसा भी हो रहा नहीं है तो साइड में आपको ब्लेड डालना है और सेफ्टी से रखना है, टूटने का भी चांस रहेगा। हल्का हल्का करना, जैसा भी यहाँ हो गया है तो आपको हीटिंग फिर से दोबारा करना रहेगा। टेम्परेचर आपको एकदम हल्का ही रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगा तो गिलास भी टूट सकता गर्म होने की वजह से।
ये हल्का हल्का कार्ड आपको यूज़ करना है, जहाँ रुक जाता है, जहाँ आपको टाइट लगता, गम टाइट हो रहा तो आपको रुकना पड़ेगा, और यहाँ टाइट रहता तो फिर से आपको ब्लोअर करना रहेगा। सेफ्टी से ही करना है, ज़्यादा करके आपको यहाँ ध्यान देना रहेगा, एक जैसे ही रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि टूटने का जान, यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, और हीटिंग आपको एकदम कम ही रखना रहेगा क्योंकि कैमरा है, कैमरा ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है इसके अंदर। सेफ्टी से करना है, ज़्यादा ही अप डाउन नहीं करना है आपको। ये आपका निकल गया है, ये मेटल का दिया है साइड में, पेस्टिंग हुआ है कैमरा साइड में इसका कवर, ये हटा देता हूँ मैं। और ये जितने स्क्रू है आपको लेंथ से खोलना रहेगा पूरा, और सेफ्टी रख के खोलना रहेगा। ये पेंसिल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है, पेंसिल का जो नोक रहता है, पैड जो यूज़ करते हो एकदम कंफर्टेबल चलेगा, जैसा बुक में आप लिखते हो वैसी ही राइटिंग इसकी आएगी। तो सैमसंग ने ये बहुत गुड निकाला है नोट सीरीज़ में। तो चलो मैं खोल लेता हूँ स्क्रू पूरे, और मैं पूरा स्क्रू ओपन कर लेता हूँ पहला, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फाइनली पूरा स्क्रू खुल चुका है, ये पूरा स्क्रू खुल चुका है साइड से, आपको ये सेफ्टी से खोलना रहेगा। ये लॉक इसके अंदर ही रहता है, ये आप देखोगे तो कनेक्टर है, ये वायरलेस चार्जर जो होता है ना, जो चार्ज होता है उसका कनेक्शन दिया है साइड में आप चेक करोगे तो। और ये खोलने से पहले आपको ये ध्यान देना रहेगा, ये गम से चिपका हुआ है ऑलरेडी, तो आपको एकदम सेफ्टी से खोलना रहेगा, थोड़ा घाई नहीं करना है आपको, कोई चीज़ कटना नहीं चाहिए, नहीं तो वायरलेस चार्जर आपका चलेगा नहीं। तो आपको हल्का हल्का यूज़ करना रहेगा। ये आपका निकल चुका है, एक फ्लेक्सिबल होता है चार्जिंग पीछे से, और ये बैटरी का कनेक्शन दिया है साइड में, और ये पेंसिल का दिया है कनेक्शन जो आप यूज़ करते हो, और इसके अंदर कनेक्टर दिया है इसके नीचे का, एयरफोन चार्जिंग टैपसी जो भी आप यूज़ करते पूरा दिए। मैं ये डब्बी खोल देता हूँ, क्या क्या इसके अंदर वो भी बता देता हूँ। आप देखोगे तो ये स्पीकर दिया है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, और इसके अंदर वाइब्रेशन दिया हुआ है, माइक दिया हुआ है, टैपसी दिया हुआ है, माइक इसके साइड में जो स्पीकर इसमें से आता है इसमें से आवाज़ आता है, और नीचे डिस्प्ले का कनेक्शन दिया हुआ है, और ये कनेक्शन की जो स्ट्रिप दिया है ये नेटवर्क का दिया है, आपका माइक वाइब्रेशन एवरीथिंग दिया है। ठीक है, ये स्ट्रिप मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये भी रिमूव कर लेता हूँ। पहले रिमूव करने से पहले आपको बैटरी का कनेक्शन निकालना रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि फ़ोन आपका शॉर्ट होने का चांस रहता है। डिस्प्ले की स्ट्रिप ये है साइड में, डायनेमिक डिस्प्ले है एलईडी में, और ये साइड का भी आपको खोलना रहेगा, ये भी कनेक्टर, ये भी डिस्प्ले का है, और ये भी खोलना रहेगा आपको। ये काई का है, ये स्ट्रिप डिस्प्ले का दिया है टच का, और ये साइड में जो दिया है ये आपका जो सिस्टम चलता है अप डाउन का और पावर का। ये भी डब्बी खोल लेता हूँ मैं, साइड का जो कवर दिया हुआ है इसको सेफ्टी से खोलना रहेगा, कोई घाई नहीं करना है। यहाँ भी आप जो स्पीकर पे बात कर रहे हो जैसा फुल डिस्प्ले दिया हुआ है साइड में, तो आवाज़ यहाँ से आती है स्पीकर में से। और फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल दिया हुआ, और इसका 12 मेगापिक्सल, इसका भी 12 दिया, नीचे वाला दिया है आप नीचे का देखेंगे तो 16 दिया हुआ है, 12 12 मतलब 12 प्लस 12 16 दिया मेगापिक्सल इसका। नाइट मोड में आप निकालोगे तो एकदम क्लियर इसका आता है, दूसरे कंपनी का आप यूज़ करोगे तो फिर भी इतना क्लियर नहीं आएगा, जो सैमसंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम नाइट में एकदम अच्छा था। तो आपको ये खोलने से पहले ना
मैं आपको ये बता रहा, ये मदरबोर्ड ओपन करने से पहले आपको ये सिम स्लॉट ओपन करना रहेगा, तो आपको पुश करना रहेगा। यहाँ आप चेक करोगे तो ये जब क्लिक होता है तो यहाँ एक मेटल जैसा है ना, एक क्लिप होता है जो इसको पुश करने के बाद निकलता है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। हो गया है। उसके बाद बैटरी भी रिमूव आपको कैसा करना रहेगा वो भी मैं बताता हूँ। ये बैटरी आपको ओपन करके बता देता हूँ, आप देखोगे तो बैटरी हमें 3500 के आसपास है। आपको मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 3500 mAh। इसको ओपन करने के बाद आपको एकदम हल्का से पुश करना रहेगा क्योंकि नीचे डिस्प्ले है, तो ध्यान से सेफ्टी से आपको सब कुछ करना रहेगा। इसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर फेस लॉक दिया हुआ है, आइस लॉक, और इसके अंदर फिंगरप्रिंट दिया। फिंगरप्रिंट का जो स्कैन होता है कनेक्शन, आप देखोगे तो इसके साथ ही दिया, डिस्प्ले के अंदर ही साथ में, डिस्प्ले के साथ ही होता है, इसको रिमूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट होता है। और बहुत से मोबाइल में कैसा रहता है, जैक जैसा देता है, एक प्रोजेक्ट होता है कैमरे का लेंथ, तो वो दूसरे डिस्प्ले में वैसा दिया रहता, तो सैमसंग में कैसा डायरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद मैं मदरबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। कैमरा आप चाहिए होगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि मदरबोर्ड पे कैसा उस पर वेट पड़ेगा, इस वजह से स्ट्रिप कटने के चांस रहेगा। क्योंकि जो कैमरा आप देखोगे तो स्ट्रिप उसकी बहुत छोटी है, साइड से कटने का चांस रहता है। इसको रिमूव मैं कर रहा हूँ साइड से, आप देखने का साइड में कुछ लॉक लगा है क्या, ये आपको साइड से हल्का से पुश करना रहेगा, ये आपका निकल गया। ये डबल सिम कार्ड आपका लगता है, इसके अंदर सब आईसी के सब अलग अलग कनेक्शन दिया है। जैसे आप चेक करोगे तो इसका मदरबोर्ड कितना स्ट्रांग है, डबल मदरबोर्ड दिया है। इसके जो सॉफ्टवेयर है और जो इस होता है सॉफ्टवेयर आईसी, बहुत स्ट्रांग है, ये हैंग नहीं होएगा जल्दी, कितना भी आप भर सकते हैं इसके अंदर, जल्दी इतना होएगा नहीं। इसके अंदर का मदरबोर्ड आप देखोगे कितना mm है, ज़्यादा है। और इसका कैमरा आप देखोगे तो डबल दिया है, साथ में इसकी स्ट्रिप और सिंगल दिया हुआ है। आपको मैं ये निकाल के बता देता हूँ। और साइड में आप देखोगे तो इसके अंदर डबल कैमरे के इधर साइड में, एक कैमरे के साइड में आप देखोगे तो एक माइक भी दिया है। ये माइक कैसा है, म्यूट करने के लिए दिया गया, जैसे आपका आवाज़ बैकग्राउंड में चलता है या कुछ होता है तो वो सेफ्टी रहता है, जैसे वीडियो कॉलिंग या और भी आप यूज़ करते हैं। और इसके अंदर और एक कैमरा दिया साइड में, ये माइक दिया है, और ये सेंसर दिया, सेंसर मतलब जो कॉलिंग पे आप बात करते हैं तो इस ऑटोमेटिक जो बंद होता है, ये सेंसर दिया साइड में। और ये कनेक्टर दिया है, ये भी कनेक्टर दिया है, दोनों कनेक्टर क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। ये आप देखोगे तो डिस्प्ले के साथ ही है, ये स्पीकर दिया हुआ है, ये दिया है पेंसिल का, और साइड में जो सेंसर होता है यही रहता है साइड में आप देखोगे तो। और ये कैमरे का है, और ये स्पीकर है जिस पे बात करते हैं, आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर बस यही सब कुछ है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेटल का पूरा आजू बाजू दिया है आप चेक करोगे तो, और नीचे बोर्ड दिया है टाइप सी में। और इसका कैमरा बहुत अच्छा दिया है, इसका मेगापिक्सल कैमरा भी मैं आपको बता देता हूँ। तीन कैमरा है, पहला 12+12, फिर उसके अंदर 16 दिया, 16 12 12 16। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।